A small sphere of mass m, इसका mass m है and having charge q, तो अपना जो ये sphere है इसकी पहचान m और q है। Is suspended by a silk thread of length l है इसकी। If it stands at a distance x from the vertical line from point of suspension, the magnitude of electric field will be what? तो देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये ऐसे लटका होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ धक्का देगी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, तो क्यू जो है ये चलकर इधर आ जाएगा, लेकिन फिर भी लटका रहेगा। तो ये पोजीशन इसकी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये वाली, और ये पोजीशन इसकी विद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर फोर्स लगी होगी, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और भाई मास जो है इसका तो कुछ वेट भी होगा, तो मास की वजह से आएगी फोर्स क्या, एमजी, ठीक है। टोटल फोर्सेस दो ही यहां पे लग रही हैं क्या, नहीं, एक तीसरी फोर्स भी लग रही है, टेंशन। तो टेंशन इस तरह होगी कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इस चीज को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं थ्रेड को छोटा करके फोर्सेस को बड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है। एम जी और ये वाला लाल वाला है अपना क्यू ई, ठीक है। ये जो एंगल है ये है थीटा। तो अब टेंशन इस रास्ते होगी, तो एक स्ट्रिंग के या टेंशन की डायरेक्शन में ये थीटा यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे यार कॉस थीटा साइन थीटा लगा रहे कैसे करेंगे, अरे भाई यहाँ एक ट्राइंगल मिल जाएगा, एल हमें पता ही है, और ये जो आपको इफ इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमें पता है ना। ओके, तो अब ये हो गया, एम जी कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, क्यू ई का इधर इधर ये भी बना लेते हैं एम जी साइन थीटा। उसी तरह आपके क्यू ई के भी कंपोनेंट आएंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और यहां पे इसका एक और कंपोनेंट आएगा क्यू ई का, क्यू ई साइन थीटा। अब कुछ लोगों को ये मतलब एंगल ये नहीं समझ में आएगा कि ये थीटा कैसे आया, तो देखिए भाई अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी 90 डिग्री में, तो 90 माइनस थीटा अगर ये है तो इसे थीटा ही होना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखिए, थीटा 90 माइनस थीटा 90, और ये 90 माइनस थीटा है तो इसे थीटा होना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो ये मेटल स्फीयर है ये स्टेबिलिटी में तब रहेगा जब ये दोनों आपस में बैलेंस्ड, और स्टेबिलिटी में तब रहेगा जब ये दोनों का सम इस टेंशन से बैलेंस हो। इस सवाल में टेंशन का कोई जिक्र नहीं है, तो टेंशन हम लोग बाद में निकालेंगे टू कंप्लीट दिस केस, लेकिन पहले मैं इसका ऑप्शन सही आपको दिखा देता हूं क्या है। तो यानी कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये और ये एक दूसरे से बराबर है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्पेंड थीटा के टर्म्स में आंसर निकालना होता तो बहुत आसान हो जाता। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार ई आ जाता कितना, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करना होगा यहाँ पे, ये क्यू है एम जी बाई क्यू टेन थीटा। अब यही आंसर हो सकता था अपना अगर थीटा में दिया रहता, लेकिन टेन थीटा थीटा में दिया नहीं है, तो हम इसको अब अपने हिसाब से करेंगे। तो देखिए ये ऐसे आ गया है, ये एल है तो ये भी एल होगा,
ये डिस्टेंस आपको एक्स दी गई है, तो अब ये पूरा एल लेकिन ये वाली डिस्टेंस तो एल से कम होगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, ये डिस्टेंस पाइथागोरस की वजह से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब बस टेन थीटा आपको पूछा गया है, तो ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, E is equal to mg divided by q, tan theta क्या है, x divided by under root of l square minus x square। तो ये इन्होंने mgx divided by ऐसा करके लिखा है, तो ये option 3 रहा, option 3 is the correct answer। Now let us try to calculate the tension also। तो tension में हमारे पास दो तीन फोर्सेस रहेंगी, टेंशन को अगर हमें कैलकुलेट करना, एक टेंशन खुद और दो ये वाली, है ना, ये वाली फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ये वाली फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा। ऐसे अगर थीटा दिया रहता तो यही आंसर हो जाता अपना, एम जी cos थीटा दे दिया, वापस अपने उस ट्रायंगल पे जाते हैं, ये रहा थीटा, ये रहा l, ये रहा x, ये रहा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। QE sin थीटा, sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है ना। लेकिन यार ई तो हम लोग निकाल के बैठे हैं ना, तो क्यों ना एम और क्यू के टर्म्स में सब कुछ निकाला जाए। तो टी इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एल, और ई की जगह रख दो ये एम जी x divided by q under root l square minus x square, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से mg common भी ले सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, mg divided by l आप common ले लीजिए, under root l square minus x square plus x square divided by q l square minus, ये आपका आ गया टेंशन जो M और Q के ही टर्म्स में है। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने करके दिखाया।